संविधान दिवस के अवसर पर उपायुक्त डीसी राणा की अध्यक्षता में आज उपायुक्त कार्यालय परिसर में अधिकारियों और कर्मचारियों ने संविधान के प्रति समर्पित रहने की शपथ ली। उपायुक्त ने अधिकारियों कर्मचारियों के माध्यम से समस्त जिलावासियों को शपथ दिलाई। इसके बाद डीसी राणा ने संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प भी अर्पित किए। डीसी राणा ने कहा कि 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ और संविधान सभा ने इसे लागू करने का निर्णय लिया। संविधान दिवस को महत्वपूर्ण बताते हुए उपायुक्त ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र में संविधान जीवन के सभी पहलुओं की शासन विधि निर्धारित करता है। जैसा कि आपको पता है कि आज संविधान दिवस है, आज हम लोगों को याद करने का दिवस है। जिन लोगों ने अपना पूरा जो है हमारा संविधान जो है हमारे देश के लिए बनाया और हम लोगों के लिए जो देश के लिए बनाया, जो जितने हमारे रूल्स हैं जो भी है सबके लिए हमारे लिए बनाया गया है, तो उनको उनको याद करने का दिवस है आज। तो आज सभी लोग जो है मेरे पीछे पीछे इसको रिपीट करेंगे, सबके पीछे पीछे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इसी संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। धन्यवाद। आज के दिन 1949 को हमारा संविधान था वो बन के तैयार हुआ था और उसको हमें अब जो संविधान सभा थी उसमें पास किया और देश में उसकी इम्प्लीमेंटेशन का निर्णय लिया गया। मुझे लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण एक दिवस है आज और इसको संविधान दिवस के नाम से जाना जाता है। और जो हमारे संविधान निर्माता हैं जिन्होंने अपने कितनी समय लगाकर इस संविधान को बनाया और जिससे आज हमारा सारा जो लोकतंत्र है वो चलता है, मुझे लगता है हमारे लिए गर्व का विषय है। और एक ऐसा संविधान है जो हमारे सारे जीवन के पहलुओं को, गवर्नेंस को, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, कर्तव्य, ड्यूटीज़, सभी चीज़ों को गवर्न करता है। तो हमें संविधान के प्रति अपनी श्रद्धा और निष्ठा जो है रखनी चाहिए और उसी के अनुरूप अपना जो कार्य है वो व्यवहार रखने की आवश्यकता है।